धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छात्रों को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त प्रवेश लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अभिषेक यादव के 1,05,07,422 रुपए की अवैध संपत्ति को गोरखपुर पुलिस ने किया कुर्क। SSP ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से महसूस किए गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई शहरों में भूकंप के तेज झटके। पड़ोसी नेपाल देश में दीपालिया जिला रहा भूकंप का केंद्र। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, जनपद में भी महसूस किया गया हल्का भूकंप का झटका। कहीं पर किसी भी प्रकार की नहीं प्राप्त हुई जनधन हानि और क्षति की सूचना। जालसाजी के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों आलोक रंजन पांडे व सदानंद पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय मिशन 75वें अभियान के तहत 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान मंडल स्तरीय पशु मैत्री का अभिविन्यास प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्षता में प्रशिक्षण साकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, 100 दिन में करवाया जाएगा 74 लाख गर्भाधान। यातायात माह 2022 के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 350 DLED प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। सभी प्रशिक्षुओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए RTO अनीता सिंह ने दिलाई शपथ। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, DLED प्रशिक्षुओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की दी गई जानकारी। और 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मध्य होने वाले विजेता के बीच होगा फाइनल मुकाबला। 10 नवंबर को 4:30 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन करेंगे पुरस्कार वितरण। पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने दी जानकारी।